गिरकर उठना और उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, मिली है हार तो मिलेगी सफलता यकीनन, क्योंकि यह क्रम है संसार का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। माय डियर फ्रेंड, आप में से कई लोग होंगे जो अपने काम के अंदर कभी फेल हो रहे होंगे। कई बार आप बिजनेस करने जाते होंगे तो आपको हार मिलती होगी, कई बार आप लोगों को कन्विंस करने जाते होंगे तो लोग आपसे कन्विंस नहीं हो पाते होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि आप स्टडी कर रहे होंगे, बार बार एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे लेकिन आप उसमें फेल हो जा रहे होंगे। कई बार आपने किसी चीज पर रिसर्च कर रहे होंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही होगी। लेकिन यकीनन आज तक जितने भी लीजेंड इस दुनिया के अंदर आए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार फेल करने के बाद वो सफल हुए हैं। असफलता सफलता से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का एक हिस्सा है। यदि आप इंस्पायर होना चाहते हैं, आपने बचपन से सुना होगा कि यदि आप काम करना सीखना चाहते हैं तो आप असफल स्टोरीज पढ़िए कि किस तरीके से लोग असफल हो गए। जरा सोचिए, इस दुनिया के अंदर यदि आप बड़े बड़े लोगों की, बहुत सक्सेसफुल लोगों की बात करेंगे तो आप हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ फेलियर जरूर पाएंगे। जरा सोचिए बिल गेट्स के बारे में, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टी दान भी करी है, उसमें क्रांति ला दी। लेकिन क्या आपको पता है कि वो ना सिर्फ हॉवर्ड से ड्रॉप आउट थे बल्कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के पहले एक ट्रैफ और डाटा नाम की कंपनी भी लॉन्च करी थी जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो गए थे। आप सब जानते होंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन का जन्म एक लकड़हारे के घर में हुआ था, जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी सही तरीके से, लेकिन फिर भी वो इंसान लड़ते रहे और 16 बार चुनाव हारे, तब जाकर वो अपने देश के राष्ट्रपति बन पाए। आप जानते होंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन जो कि इंग्लिश और मैथ्स में बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन बेसिकली उनको जाना जाता है लाइट्स एंड ग्रेविटी के, उनके आविष्कार के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूटन को उनके क्लास के अंदर ही, उनको कई बार मंद बुद्धि कहा जाता था, कई बार टीचर उनको स्कूल से बाहर निकाल देते थे। जब वो आविष्कार कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जरा सोचिए आप थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में, जिन्हें पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैटेंट, सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाले वो साइंटिस्ट हैं। 1093 से ज्यादा आविष्कार उन्होंने किए हैं। लेकिन जरा सोचिए, उन इंसान को भी टीचर्स कहते थे कि जिसके अंदर आविष्कार करने की क्वालिटी नहीं है, जब वो बल्ब बना रहे थे तो 1000 से ज्यादा बार उन्होंने ट्राई किया, तब जाकर वो बल्ब बना पाए और दुनिया के सफलतम साइंटिस्ट में से एक बन पाए। दुनिया के सबसे बेहतरीन कार्टून्स में से एक डिज्नी कार्टून के बारे में आप जानते होंगे, वॉल्ट डिज्नी, जिनके संस्थापक रहे वॉल्ट डिज्नी, ने जब पहली बार कार्टून बनाया था वो उसमें फेल हो गए थे, वो चला नहीं था और पत्रकार ने भी उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन आज की डेट के अंदर यदि आप उनकी कंपनी डिज्नी वर्ल्ड की बात करेंगे तो लगभग 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। विंस्टन चर्चिल को आप जानते होंगे, वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, 6th क्लास के अंदर फेल हो गए थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यही फेलियर यूके का, यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बन गया। और अभी एक लिस्ट जारी हुई थी 2002 के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रभावशाली नेताओं की, जब सूची जारी हुई तो इंग्लैंड के लोगों ने सबसे ज्यादा उनको पसंद किया। जरा सोचिए सोइशिरो होंडा के बारे में, जो कि नौकरी किया करते थे, टोयोटा के साथ उनकी बिजनेस डील थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो डील फेल हो गई। जब वो उनके पास काम नहीं था तो उन्होंने एक स्कूटर बनाया था जिसे उन्होंने अपने पड़ोसी को बेचने की कोशिश की लेकिन नहीं बेच पाए। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी यदि कोई है तो उन्हीं सोइशिरो होंडा की होंडा कंपनी है। जरा सोचिए जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, वो इतने गरीब परिवार से थी कि उनके नोबेल्स लिखना चाहती थी लेकिन कोई भी पब्लिशर उनके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अपना नोबेल रद्दी के कागजों में लिखा था। लेकिन जरा सोचिए आज उन्हीं की नोबेल्स में कई मूवीज बन चुकी हैं जो कि सुपर डुपर हिट रह चुकी हैं, और उन्होंने कई बार डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश करी लेकिन वो वहां पर रुकी नहीं। आप सब हेनरी फोर्ड को जानते होंगे, फोर्ड कंपनी के मालिक जिन्होंने 5 बिजनेस ट्राई किए, उसके बाद 6th बिजनेस फोर्ड कंपनी में कार का शुरू किया, तब जाके वो सक्सेसफुल हो पाए। आप सब जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनको भी अपनी जिंदगी के अंदर फेलियर बना। इसरो के अंदर एक एग्जामिनेशन था जिसमें वो फेल हो गए थे, जिसमें उनका साइंटिस्ट के रूप में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो मिसाइल मैन के रूप में गर्व की तरह उनका नाम लेते हैं। जरा सोचिए यदि ये इतने सारे लोग इतनी फेलियर पाने के बाद यदि सक्सेसफुल बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक ही बात बोलना चाहूंगा, चिंताएं तेरी बेवजह हैं, नादान परिंदे जिसने पंख दिए हैं वो आसमान भी देगा तुझे उड़ने के लिए। बात पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सर्व शुक्ला साइनिंग आउट।